भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 7 से 9 अगस्त को न्यूजीलैंड में थी। 9 अगस्त को उनके सम्मान में ऑकलैंड में एक कम्युनिटी रिसेप्शन रखा गया, जिसमें उन्होंने भारतीय समुदाय के गणमान्य लोगों से भेंट की। मेरे लिए ये सौभाग्य की बात है कि इस अवसर पर उपस्थित होने का न्योता मिला। उन्होंने अपना संबोधन हिंदी में दिया और कहा कि भारतीय समाज इस खूबसूरत देश के ताने बाने का एक अभिन्न अंग है। उनकी कड़ी मेहनत और रचनात्मक भावना की सराहना उन्होंने की और ऑकलैंड में इंडियन कॉन्सुलेट खोले जाने की भी बात कही, जिससे दोनों देशों के बीच संस्कृति, शिक्षा और व्यापार संबंधी आसानियां होंगी। इस कार्यक्रम की कुछ तस्वीरें आपके लिए चुनकर लाई हूं।